तो भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है, एक कारण कहा कि मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। दूसरा कारण कहा, माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना करी है। और क्या करा था माता सती ने, एक बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन कर अर्चना कर उसका विसर्जन करती थी सती माता। और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का नियम। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए भी वर्णन करा गया, ब्राह्मण श्वेत मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे और शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें। कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए? अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, या हमारे घर में हम कोई मूर्ति रख रहे हैं, या हमारे घर में हम कोई मूर्ति को विराजमान कर रहे हैं, तो उस मूर्ति का भाव कितना बड़ा होना चाहिए? तो कहा, जमीन पर अपने हस्त कमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा कर देख लो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए, चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, चाहे वो दुर्गा भवानी की हो, चाहे वो राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण की हो, जिसकी रखना हो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्यों? इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो जैसे मंदिर में सेवा होती है उतनी सेवा की उसको जरूरत पड़ती है, और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है, जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती है। तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करेगी, उतना आनंद देगी। पर श्रावण के महीने में यदि आप रोज शिवलिंग नहीं बना सकते तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना, उसकी अर्चना, उसकी पूजन करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण करें, किसी थाली में या पात्र में, जिस पर में जिसमें भी आप निर्माण कर रहे हैं, उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने से पहले उसके अंदर पात्र के अंदर एक बेलपत्र रखें। बेलपत्र क्या, आपको कथा में कल कहा था, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, और रुद्राक्ष का वृक्ष शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। तो बेलपत्र रखकर फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें, फिर उसके ऊपर शिवलिंग, उसका लाभ आनंदित होगा, उसका सुख आनंदित होगा, वो आनंद फल देने वाला होगा। कई लोग सीधे थाली में शिवलिंग बना देते हैं, माता पार्वती के हस्त कमल पर शिवलिंग का निर्माण है महाराज, हस्त कमल सुख देने के लिए। तो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करें। माता सती ने भी किया, यही श्रावण के महीने में माता सती शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक पर स्पर्श कर जलाशय में, कुंड में, जल में, बावड़ी में, कुएं में, तालाब में उसका विसर्जन करती मां। दूसरा कारण कहा, सती शंकर को इसी श्रावण में रिझाई थी, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है कि पहले आती है नवमी, फिर आवेगी एकादशी देवसोनी। तो भंडारिया नवमी का मतलब क्या होता है, भंडारिया नवमी का स्मरण क्या होता है? अभी आपको कहा था नौ जगह पर बेलपत्र चढ़ती है, भंडारिया नवमी का मतलब ही है ये कि भगवान विष्णु सोने जाने से पहले नवमी तिथि के दिन नौ बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर भगवान शिव के मंदिर में बैठ कर भगवान शंकर की आराधना कर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ
अपनी सृष्टि का कार्यभार 4 महीने के लिए शंकर जी को सौंप देते हैं। भंडरिया नवमी के दिन और एकादशी के दिन से देव सोनी एकादशी के दिन जब भगवान सोते हैं उस दिन से भगवान शंकर पूरे कार्यभार को देखते हैं, पूरे कार्यभार। जब कार्यभार सौंपा गया, भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करने लगे, तब ब्रह्मा और विष्णु ने आकर शंकर जी की आराधना यही श्रावण के महीने में करी थी कि आपने पूरा कार्य अच्छे से संभाला, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है। ये तीसरा कारण है शंकर को श्रावण प्रियता का। अब शिव महापुराण की कथा करिए कि शंकर को श्रावण प्रिय चौथा कारण वर्णन करा कि ये कारण भगवान शंकर की आराधना माता पार्वती ने बाल्यपन से करी, खूब करी, खूब दिल से करी। भगवान शंकर को ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।